असल एंड हेलो एवरीवन लेट्स ट्रैवल टुगेदर की तरफ से मैं हूं आपकी होस्ट फाइजा और उर्दू बोलने सुनने वालों को प्रदेश में अपनी जुबान में सैर करवाने के लिए लेट्स ट्रैवल टुगेदर की जानिब से एक वार्म वेलकम आज आप डीसी में मौजूद एफ टी आर मेमोरियल इसका इसका डिज़ाइन इसमें मतलब आर्ट वर्क इसमें मतलब तहरीरें देखेंगे ना सिर्फ आप रोजवल्ड को जानेंगे बल्कि उनका दौर ख़ातून अव्वल और उनका फेवरेट पेट फाला के बारे में भी जानेंगे तो कीप वॉचिंग। चार कमरों पर मुश्तमिल इस मेमोरियल का डिजाइन 1933 से 1945 के अरसे में रोजोवेल्ट की चार टर्म्स उस दौर के संगीन हालात और प्रेसिडेंट रोजोविल्ट का उन हालात से नमर्द आजमा होने की बेहतरीन झलक दिखाता है ये इनकी खुशकिस्मती थी कि 1930 की दिहाई में होने वाले ग्रेट डिप्रेशन जैसे संगीन माशी बहरान और फिर दूसरी जंग अजीम के आगाज़ पर मुल्क की दौड़ रोजेविल जैसे लीडर ने संभाली और अमेरिका को इन दुशवार गुजार हालात से निकाला ये मेमोरियल छत के बग़ैर चार कमरे या चार सेक्शंस में दरख्तों और वाटरफॉल्स के दरमियान खुली फ़िज़ा में बना हुआ है जो रोज़वेल की चार टर्म्स की अक्सी करता है इसको देखने से पहले हम देखेंगे इसका प्रोलॉग रूम या तारुफी एरिया जब आप इसमें दाखिल होंगे तो रूजवेल्ट का स्टैचू आपको एक व्हील चेयर पर बैठे हुए नज़र आता है उनतालीस साल की उम्र में पोलियो के मर्ज़ ने रूजवेल्ट को एक माजूरी में मुबतला कर दिया लेकिन इस माजूरी ने इनके इरादों को कमज़ोर नहीं होने दिया ये बताती चलूँ कि उस दौर में अभी टी वी आम नहीं हुआ था इसलिए रोजे ने आवाम के सामने अपनी माजूरी छुपाए रखी और जब भी आवाम का सामना करना पड़ता तो अप तो वो अपनी टांगों पर मेटल ब्रेसेस लगाकर और पोडियम पर किसी रेलिंग या किसी का हाथ पकड़कर सहारा लिए खड़े होते ये जी रोज़े की आ, स्पेशल व्हील चेयर जिसको उन्होंने खुद डिज़ाइन किया और किचन चेयर की टांगे हटाकर इन्होंने खुद से उस पर चेसिस लगवाए और इसका रेप्लिका आपको इसके विजिटर सेंटर में मिलेगा ये भी बताती चलूँ कि ये पूरा मेमोरियल व्हील चेयर है इस स्टैचू के पीछे की दीवार पर ब्रॉन्स का एक पैनल है जिसके ऊपर रोज़बल्ट की अहलिया खातून अवल एलिना रोज़ेवल्ट की तहरीर है और अगर आप गौर करें तो नाबीना अफराद के पढ़ने के लिए ब्रेल भी है जिस पर लिखी तहरीर का मैं तर्जमा करूँ तो कुछ ऐसा होगा फ्रैंकलिन की बीमारी ने इसे ताकत और हिम्मत दी जो इसके पास पहले नहीं थी इसे ज़िंदगी के बुनियादी असूलों पर गौर करना था और सबसे बड़ा सबक सीखना था लामहदूद सबर और कभी ना ख़त्म होने वाली इस तकामत तो ये तहरीर मुख्तर अल्फाज में एफ डी आर की पर्सनैलिटी और उनके चैलेंज का बेहतरीन नक्शा देती है इस प्रोलॉग रूम से चलते हुए हम पहले आउटडोर रूम की तरफ दाखिल होते हैं जो रोजेबिल्ट की प्रेजिडेंट की हैसियत से पहली टर्म उन्नीस सौ तैंतीस से उन्नीस सौ सैंतीस तक आ, की अक्सी करता है इस कमरे में सामने की दीवार पर पानी की फॉल नज़र आती है जिसमें पानी तेज़ी से गिरना मुल्क की तेज़ी से गिरती हुई मीशत को दिखाने के लिए अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है इस पानी की फॉल के साथ दीवार पर आपको ब्रॉन्ज का बास रिलीफ नज़र आएगा जो पहली अफ्ती तकरीब की न्यूजील से लिए हुए एक ऐसे लम्हे को दिखा रहा है जिसमें रोजविल्ट गाड़ी से पब्लिक के हजूम के आगे अपना हैट लहरा रहे हैं दीवार पर रोजे का मशहूर कॉल द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज़ फियर इट सेल्फ नज़र आएगा यानी हमें सिर्फ़ एक चीज़ से डरना है और वो खुद डर खुद है दूसरे अल्फाज में अब किसी चीज़ से नहीं डरना यानी ये बात उस वक्त कौम के मराल को उनके हौसले और हिम्मत को बढ़ाने में काम आई ये वो वादा था वो अज़म था जो रोज़े ने उन संगीन हालात में आवाम के साथ किया और ख़ुद अपने साथ किया कि वो इन हालात से अपने लोगों को बाहर निकालेंगे इसके बाद आगे चलते चलते आप रोजेवेल्ट की दूसरी टर्म में दाखिल होते हैं ये 1937 से 41 का जमाना है यहाँ पर आपको कुछ स्कल्पर नजर आएंगे जो उस दौर की जबरदस्त और बेहतरीन झलक दिखाते हैं। एक तरफ ब्रेड लाइन रोटी लेने की कतार में लोग खड़े नजर आते हैं उनके पीछे एक गरीब किसान कपल का स्टैचू नजर आएगा ये स्कल्पचर्स ग्रेट डिप्रेशन के दौर में मायूसी की झलक दिखाते हुए नजर आते हैं इसके साथ ही दूसरी साइड पर एक शख्स का स्टैचू कुर्सी पर बैठा रेडियो सुनता हुआ दिखाई देगा रोज़ोवल्ट अपनी फायरसाइड चैट्स के हवाले से काफ़ी मकबूल रहे उन्होंने उस वक्त के मीडिया यानी रेडियो का आवाम के साथ जुड़ने में बेहतरीन इस्तेमाल किया जिसमें गैर रस्मी खिताब करके अपनी कौम के साथ वो करते और आवाम को अपनी कारदगी और पोजीशन से आगाह करते इन गैर रस्मी खिताब से वो लोगों की तशवीश और ख़ौ में उनकी हिम्मत बंधाते तो इस तरह से जहाँ एक तरफ़ रेड लाइन में खड़े स्टैचूज़ मायूसी की झलक दिखाते हैं वहीं ये रेडियो सुनने वाला स्टैचू उम्मीद की झलक दिखाता है आवाम महसूस करते जैसे रोज़बिल्ट उनके घर में उनके साथ वन टू वन कनेक्ट हो रहे हैं शायद इसी वजह से लोगों ने उनको चार दफ़ा प्रेजिडेंट के लिए मंतख किया इसी दूसरी टर्म के तसलसल में आम, दीवार की दूसरी जानब आपको इंडस्ट्रिय रोलर्स जो कि दीवार पर लगे हुए पैनल से मुताबिकत रखते हुए नज़र आएंगे अमेरिका की न्यू डील की अक्सी करते हैं यानी ऐसे माशी और सोशल प्रोग्राम्स जो रोज़ ने ग्रेट डिप्रेशन के दौर में शुरू किए ताकि लोगों को नौकरियाँ मिलेंी हालत बेहतर हो और आवाम को रिलीफ पहुँचाया जाए यहीं पर आपको एक और वाटर फीचर नज़र आएगा जो उस वक्त के सिविलियन कंजर्वेशन कॉप के प्रोजेक्ट की अक्सी करता है जिसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिला और इन्वामेंटल प्रोजेक्ट्स में ट्रेल्स की तमीर दरख्त लगाना और आठ सौ पार्कस में शेल्टर्स वगैरह की सहूलियात तमीर करना शामिल है इसके बाद में आपको लेके जाती हूँ तीसरी टर्म वाले सेक्शन में यानी नाइनटीन फोटी वन से नाइनटीन फोटी फ़ाइव उन्नीस सौ इकतालीस से उन्नीस सौ पैंतालीस का ज़माना इसमें हम अमेरिका का दूसरी जंग जंगीम में शामिल होना देखेंगे शुरू शुरू में यूएस ने इस जंग से ख़ुद को अलग रखा और इस सिलसिले में रोज़ेवल्ट की तहरीर बखूबी उसका नज़रिया बयान करती है जिसमें वो ये बताते हैं कि उन्होंने जंग की तबाही माओ और बीवियों को रोते हुए देखा है इसलिए वो जंग से नफ़रत करते हैं रोज़ेवल्ट ने पहली जंग अजीम के दौरान नेवी के असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर सर्व किया हुआ था इसलिए इस जगह पर उनकी मे, मे, ये मुख्तलिफ तहरीरें उनका नज़रिया बताती हैं फिर इस मेमोरियल में इस जगह पर आप आ, एक तरफ़ ज़मीन पर कुछ बिखरे हुए पत्थर देखेंगे जो पर हार्बर की बॉम्बिंग को ज़ाहिर करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि इसके बाद रोज़ बिल्ट का ये बयानिया कि उन्हें जंग से नफ़रत है रातों रात टूट कर बिखर गया है इसी तरह इस तीसरी टर्म वाले सेक्शन में फ़ाइनली आप देखेंगे कि रोज़े का एक बड़ा स्टैचू आपको नज़र आएगा और अगर गौर करें तो इसमें रोज़े की सही एज नज़र आती है कि जिस वक्त वो प्रेसिडेंट थे जो उनकी एज थी वो नज़र आएगी और गौर करें तो ये नहीं बताया कि वो किसी व्हील पर बैठे हैं बल्कि ठीक उस दौर में वो अपना वूल का केप पहन जिस तरह बैठते थे उसी तरह ये स्टैचू भी बनाया गया है यहाँ पर आप तो करेंगे कि दूसरी जंगी अज़ीम का दौर है तो इनके साथ इनकी कैबिनेट का मेंबर या आर्मी का कोई जर्नल होगा लेकिन नहीं यहाँ इनके साथ इनका सबसे पसंदीदा पेट इनका कुत्ता स्कॉटिश टेरियर फाला है और फ़ाला गैर मामूली शहरत का हामिल पेट था ये इन रोज़विल्ड को उनके कज़न से तोहफे में मिला हज़ारों खत हर हफ़्ते इस कुत्ते को लिखे जाते यहाँ तक रोजरविल्ड uh, को एक सेक्रेटरी नौकरी पे रखना पड़ा जो फ़ाला के सारी फ़ैन मेल और प्रेस इंगेजमेंट को हैंडल करता यहाँ पर आकर फ़ाला के कान पर थपकी देना और सेल्फी लेना तो बनता ही है अब इस मेमोरियल के चौथे और आखिरी कमरे में हम दाखिल होते हैं तो यहाँ पर रोज़े की लेगेसी को रिप्रेजेंट किया गया है इस आखिरी टर्म में रोजेवल्ट सिर्फ पाँच हफ़्ते ही याद रहे यहाँ पर एक बास रिलीफ पर स्कल्पचर हुआ हुआ है जनाज़े के सीन का और उसके नीचे ठहरा हुआ पानी मातम के मूड की अक्सी करता है यहाँ पर आपको रोजेवल्ट के मुख्तफ अकवाल भी पढ़ने को मिलेंगे जो रोजेवल्ट की लेगेसी को बड़ा अच्छा उसकी के बारे में बताते हैं और इसी सेक्शन में आप ख़ातुन अवल एलैना रोजोविल्ट का ब्रॉन्स का स्टैचू देखेंगे जो एफ डी आर की डेथ के बाद बीस साल हयात रहीं ये बहुत एक्टिव ख़ाने अवल थीं और सियासी जिम्मेदारियों के लिए ये पूरे मुल्क में सफ़र करती थीं रोज़बल्ट इनकी जहाँानत की बहुत कदर करते थे और कई मामलों में इनसे राय लेते थे ये रोज़ाना एक अखबार में कॉलम लिखती थी जो मुल्क भर में पब्लिश होता था इन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद क़ायम होने वाली अकाम मुतहद की इंसानी हकूक़ के कमीशन को भी चेयर किया और इंसानी हकूक़ के आलमी अलामिया के मसवदे को भी ओवरसी किया तो है तो ये सारी हिस्ट्री लेकिन लोग इस मेमोरियल के डिज़ाइन को इंजॉय करते हैं कि एक पुरसकून गार्डन सेटिंग में दरख्तों और वाटरफॉल्स के साथ स्कल्पचर्स की सूरत में आर्ट के ज़रिए उस दौर का नक्शा सामने आता है और इसे देखते देखते कितनी मालूम मिल जाती है उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाफ